माँ गंगा के किनारे हिमालय की गोद में ये देवभूमि का शांति कुंज, जहां से इस तपोभूमि से, तप और तपस्या की भूमि से हम युग बदलना है और व्यक्ति निर्माण की एक संस्कृति संस्कार दिशा लेकर जाएंगे। आचार्य तपोनिष्ठ वेदनिष्ठ जिन्होंने लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, आध्यात्मिक के माध्यम से संस्कृति और संस्कार के माध्यम से आचार्य श्री राम जी हमारी पूज्य वंदन माता भगवती देवी जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जिनके आध्यात्मिक विचारों को के माध्यम से यज्ञ के माध्यम से, मंत्र उच्चारण के माध्यम से जिन्होंने आत्मिक शांति प्राप्त की और उस आत्मिक शांति से एक युग बदलने की जो उनका संकल्प था, आज हम वह उनके सपनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। और उसी देवतुल्य विचारों से, उन देव सपनों से उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो हमारे इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, जब किसी को पता नहीं था कि एक दौर आएगा, जब भौतिक युग का दौर आएगा, शिक्षा में भौतिक शिक्षा का युग आएगा, लेकिन उस समय उन्होंने देखा था कि दुनिया के अंदर युग को परिवर्तन करना, व्यक्ति के जीवन का निर्माण करना है, उसके चरित्र को निर्माण करना है, तो एक ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जिस विश्वविद्यालय के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा भी हो, आधुनिक शिक्षा भी हो और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी हो। और एक ऐसा विश्वविद्यालय का विचार उनके मन में आया था जहां आध्यात्मिक और विज्ञान का एक सम्मिश्रण करते हुए और जिस विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त न करे, मौलिक रूप से उसके जीवन के अंदर उसका जीवन परिवर्तन आध्यात्मिक मूल्यों से हो, भारतीय संस्कृति से हो, जो तपोवेद ज्ञानी आचार्य जी का विचार था, उन विचारों से ओतप्रोत नौजवान विद्यार्थी निकले। और उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद हमारे कुलपति कुलाधिपति डॉक्टर प्रणय पांडे जी ने इस दिशा में इस विश्वविद्यालय को
संचालित किया। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के विचार आपने सुने, उनके विचारों के आध्यात्मिक संस्कृति संस्कार और भविष्य में व्यक्ति का निर्माण कैसा होना चाहिए। हम मनुष्य जीवन को प्राप्त कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस लक्ष्यों की दिशा उन्होंने आपको बताने का काम किया। यहाँ के कुलपति शरद पांडे जी, यहाँ के सभी आचार्य जो इस देव संस्कृति विद्यालय में, जिनको देव की कृपा हुई कि उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, अध्यापन शोध का उनको अवसर मिला, वह सभी विद्यार्थी और विशेष रूप से उनके अभिभावक माता पिता, जिन्होंने गुरुकुल पद्धति के इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर केवल शिक्षा प्राप्त करने नहीं, शिक्षा के साथ आध्यात्मिक और संस्कार प्राप्त करने के लिए भेजा, वह सब माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जब भी इस धरती पर आता हूं, मुझे नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है और कार्य करने की नई प्रेरणा मिलती है। इस धरती पर ऐसी ऊर्जा है और इसी ऊर्जा की इस धरती और विशेष रूप से शांति कुंज, जहां रोज यज्ञों से सुबह शुरुआत होती है, यज्ञ और मंत्र से जहां शुरुआत होती हो, उस विश्वविद्यालय के वातावरण में आप जब यहां से उपाधि प्राप्त करके निकलेंगे तो इस देश के आध्यात्मिक संस्कृति दूत के रूप में केवल पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर नेतृत्व करेंगे। मुझे खुशी है कि इस विद्यालय ने अपने कई पाठ्यक्रमों के माध्यम से यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण शोध का कार्य योजना बनाई। शिक्षण प्रशिक्षण शोध के साथ जीवन प्रबंध, आज आप नई टेक्नोलॉजी के अंदर नए बच्चों को अगर सबसे ज्यादा पसंद है तो लगता है कि हमारा जीवन प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज व्यक्ति के जीवन का बन गया है, कि जो कुछ मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण क्षण है, जो भी समय है, वह समय मेरे जीवन प्रबंध में ऐसा होना चाहिए ताकि मैं मेरे माध्यम से समाज के अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाते हुए किस तरीके से जो युग परिवर्तन का सपना आचार्य जी ने देखा था, व्यक्ति परिवर्तन व्यक्ति निर्माण का सपना देखा था, परिवार निर्माण का सपना देखा था, उस सपने को आप पूरा करने के लिए यहां से निकलेंगे और ऐसी शिक्षा यहां पर आपको मिलेगी। एक बहुत कम समय के अंदर, दो दशक के अंदर इस विश्वविद्यालय की ख्याति केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। देश की 75 से ज्यादा विश्वविद्यालय संस्थाओं का एफिलिएटेड यहां पर है और यहां होने वाले रिसर्च शोध अध्ययन अध्यापन और दुनिया में हो रहे शोध अध्ययन अध्यापन के संयुक्त कार्य योजना के माध्यम से आपको एक अच्छी शिक्षा और एक अध्ययन अध्यापन करने का एक सर्वश्रेष्ठ अवसर इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मिल रहा है। क्योंकि
आचार्य जी ने उस समय विचार किया था कि इस विश्वविद्यालय से का केवल शिक्षा का और बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं करना। उनका विचार था मनुष्य को गढ़ना, मतलब मनुष्य को निर्माण करना, और मनुष्य के निर्माण के लिए ही उन्होंने जो तप तपस्या की, जो जीवन के अंदर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को नए नौजवानों को मिले, ये उनकी कल्पना थी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आज यथार्थ में है कि भारत को अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए संस्कृति, संस्कार और व्यक्ति निर्माण के साथ अपनी कर्मशील कर्म योग के माध्यम से इस भारत को वैभव पर पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का अगर भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनना है तो हमें हमारी संस्कृति, संस्कार, आधुनिकता के साथ, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन के साथ साथ हमारी प्राचीनतम शिक्षा पद्धति और हमारे प्राचीनतम संस्कृति को लेकर आधुनिकता की ओर बढ़कर नए भारत का निर्माण करना है। और आज हम इस दिशा के अंदर भारत को देख रहे हैं कि आज हमारा नौजवान इसी तपोभूमि से निकलकर एक संस्कृति राजदूत के रूप में पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम करेगा। विद्यार्थी साथियों, दुनिया के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को देखते हुए भारत ने एक नई दिशा दुनिया को दी है। बहुत बदलते दौर में हमने 100 साल के इस परिप्रेक्ष्य में देखा है। 100 साल में एक समय होता था कि एक देश का शासन पूरे विश्व के अधिकतम देशों में होता था। इस शासन 100 साल में परिस्थितियां कितनी परिवर्तन हुई, ये परिवर्तन परिस्थिति करने के लिए कितने तपो लोगों ने अपने जीवन को समर्पण किया। पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई जहां एक तरफ हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ आध्यात्मिक थे, कुछ लेखक थे, पत्रकार थे, आचार्य जी ने अपने ज्ञान अमृत के माध्यम से आजादी के उस समय आंदोलन में योगदान दिया। और उन्होंने कहा कि आजादी के योगदान के बाद अगर देश के नवनिर्माण को करना है तो हमें श्रेष्ठतम शिक्षा पद्धति लाना पड़ेगा। और श्रेष्ठतम शिक्षा पद्धति लाने के लिए, जैसा डॉक्टर चिन्मय जी ने कहा कि एक श्रेष्ठतम विद्यालय, महाविद्यालय का निर्माण होना चाहिए ताकि जो आने वाली पीढ़ी का हम निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारे युग के निर्माण को परिवर्तन करने के नेतृत्व करने वाली है, उस पीढ़ी को हमें कैसी शिक्षा देनी है, कैसे संस्कार देने हैं। और आज हम लंबे दशकों के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी प्राचीनतम शिक्षा पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, जिसको आप पढ़ते हैं योग के रूप में, आज अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में पूरा देश ही मानने लगा है
कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग जीवन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और आचार्य जी ने उस समय विचार किया था कि योग विज्ञान और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ही हम लंबे समय व्यक्ति को स्वस्थ रख पाएंगे मन से और शरीर से। और इसीलिए आज इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर आपने देखा होगा कि इसी तरीके की शिक्षा आपको मिल रही है, जिसके अंदर ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति भी है। लेकिन उस आधुनिक शिक्षा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा पद्धति सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को माना गया है। इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक अच्छी शिक्षण पद्धति के माध्यम से हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे और यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी आने वाले समय के अंदर हमारे जो ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के प्रकाश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वह समाज के लिए है, देश के लिए है। और जब हम इस कर्तव्य भाव से, हम इस देशभक्ति राष्ट्र भाव से काम करेंगे कि जो कुछ भी मैंने शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, शोध प्राप्त किया है, उसका मैं उपयोग समाज के जीवन बदलने में लगाऊं, एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त किया, उसकी ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला करूं, यही हमारा समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। और मुझे आशा है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति और आचार्य जी का दिया हुआ संदेश हमारे जीवन में नया परिवर्तन करेगा, और मुझे आशा है कि एक हम श्रेष्ठ युवा बनेंगे और श्रेष्ठ युवा बनाने का काम का संकल्प यहाँ से लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से 20 वर्षों के अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय का कीर्तिमान हासिल किया है, जो आपने यहाँ अध्ययन, अध्यापन, शोध, रिसर्च किया है, उस रिसर्च शोध का लाभ आने वाली पीढ़ी को मिले। क्योंकि आज समय है कि हमें नवाचार करने का, नया रिसर्च करने का, नया शोध करने का, और हमारे नौजवानों की इन्हीं बौद्धिक क्षमता के कारण, इन इनोवेशन के कारण, इन्हीं नई सोच के कारण, नई विचारों के कारण आज दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है, तो हमारे युवाओं के बौद्धिक क्षमता के कारण कर रहा है। और इसलिए हम संस्कृति संस्कारों को भी लेकर चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारा नौजवान नेतृत्व कर रहा है। ये विज्ञान और आध्यात्मिक का सम्मिश्रण आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। क्योंकि हमने भौतिक संसाधनों के युग को देखा है, भौतिक संसाधन, भौतिक प्राप्तियों का एक समय सीमा होती है। भौतिक संसाधनों वाले व्यक्ति भी इस देवभूमि के अंदर शांति प्राप्त करने आते हैं, शांति कुंज पर शांति प्राप्त करने आते हैं। इसलिए समय बदल रहा है, और इस बदलते समय के अंदर उस समय आचार्य जी ने एक दूरदृष्टि के माध्यम से
जो देव सपना देखा था, मुझे लगता है कि आज वो देव सपना पूरा होता जा रहा है। और मैं आज जो सामने मेरे सामने देख रहा हूं, जिस तरीके से हमारे युवाओं को, युवा महिला विद्यार्थियों को, हमारे आचार्यों को, जिन आचार्यों ने तप तपस्या समर्पण सेवा से इस शांति कुंज पे अपने जीवन को समर्पित किया है, मैं ऐसे हजारों परिवारों को जानता हूं मेरे इलाके के अंदर, जिन्होंने अपने परिवार को, धन धन्य सब को छोड़ दिया, जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, वो शांति कुंज में आकर सेवा का काम करते हैं। मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूं जिन परिवार रोज शराब का सेवन करना जीवन की गई दिशा, एक गलत दिशा की ओर जाना, ऐसे कितने ही परिवारों ने आचार्य के जी के विचारों से, उनके संदेश से, उनके तप तपस्या के कारण उन परिवार पूरा का पूरा त्याग कर और आचार्य जी की सेवा में लग गए। और उन्होंने केवल अपना तप तपस्या नहीं की, उन्होंने पूरा जीवन शांति कुंज को दे दिया, गायत्री परिवार को दे दिया। और आज इसीलिए भारत के अधिकतम इलाकों के अंदर गायत्री परिवार के इस आध्यात्मिक संस्कृति यज्ञ मंत्र और यज्ञ से पैदा होने वाली ऊर्जा, उसके कारण भारत में नहीं दुनिया के कई देशों के अंदर मैं जाता हूं तो वहां गायत्री परिवार के लोग मुझे मिलते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे आध्यात्मिक और संस्कृति के राजदूत आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर है, आचार्य जी की प्रेरणा से निकले हैं। और एक समय आएगा जब आध्यात्मिक संस्कृति के हमारे राजदूत भारत के यश गौरव को दुनिया में बढ़ाएंगे। और जो हमने एक समय दुनिया को विचार दिया था कि आध्यात्मिक संस्कृति और धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, उस संकल्प को हम पूरा होते देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं कुलपति जी प्रणय पांड्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को, कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर आप सबसे मिलने का मौका मिला, मुझे भी नई ऊर्जा मिली, नई प्रेरणा मिली, ताकि मैं इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर किस तरीके से व्यक्तित्व निर्माण और स्वयं को बदलकर, स्वयं को दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए किस तरीके से नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।